बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन जब वह 40 साल की हो जाती है तो उसकी चोंच बहुत बड़ी हो जाती है, जो कि आगे की ओर मुड़ जाती है, जिससे कि वह शिकार नहीं कर पाता है। जो उसके पंख होते हैं वो बहुत भारी हो जाती है, जो कि उसके छाती से चिपक जाती है, जिसके कारण बाज उड़ नहीं पाता है। इसकी जो पैर के नाखून होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं शिकार कर कर के। अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो अपनी जान दे दे या फिर से नई जीवन की शुरुआत करे। लेकिन ईगल ऐसा नहीं करता। वह 40 साल के उम्र में भी ईगल अपने एरिया के सबसे ऊंची पहाड़ पर जाता है और वहाँ पत्थर पर अपनी चोंच को मार मार कर लहूलुहान कर लेता है और वह चोंच को वहीं पे तोड़ देता है। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हुआ, वो अपने पंजे के नाखून को पत्थर की शिला पर लगड़ लगड़ के पूरी नाखून को भी तोड़ देता है। उसे बहुत तकलीफ होती है लेकिन वो हार नहीं मानता। फिर कुछ महीने बाद जैसे ही उसकी चोंच निकलती है, उस चोंच से अपनी पंख को काट देती है। इसके बीच ईगल को बहुत तकलीफ होता है, बहुत खून निकलता है, पर उन तकलीफों को सहता है और फिर से उसको 30 साल का नया जीवन मिलता है, जो कि वो फिर से उड़ सकता है। अब वो फिर से शिकार करना शुरू कर देता है। इससे हमें ये बातें सीखने को मिलती है कि कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जहाँ से रास्ता बंद होता है वहाँ से नई रास्ता खुलना शुरू होता है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ते रहना है, चाहे जितनी भी मुश्किल आए हमें उसका सामना करते रहना है और अपनी मंजिल को पाके रहना है।